हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आइए आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, आज शिल्पा बना रही है खाना और पीछे मम्मी धो रही है बर्तन। तो अभी मैं जा रहा हूँ खेत साइड अपने, और मैं वहाँ से मक्की का किल्टा लेके आऊँगा। वहाँ पे ऐसे करके मक्की निकाल के रखी है। तो बाकी गाइज, ये मेरा घर है, तो इसको तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया है। तो मैंने आज तक अपनी पूरी फैमिली से आप लोगों को नहीं मिलवाया है, तो वो आप सबको मैं अपने बर्थडे में मिलवाऊंगा पूरी फैमिली से। सो गाइज, शिल्पा अंदर खाना बना रही है साथ में और अपने फ़ोन को चला रही है। ओए होए होए, तो गाइज ये जो सब्जी बन रही है, ये मैं आप सबको बता दूं तो ये हमारे लोकलिटी में छोटे छोटे दाने होते हैं, उनको हम अपनी पहाड़ी भाषा में लम्कू बोलते हैं। तो गाइज ये रही बेल, जिसको हम लम्कू बोलते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में। तो बाकी गाइज कमेंट करके बताना कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं। तो गाइज इसकी जो सब्जी होती है बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होती है, और मैं आप सबको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज ये है लम्कू और इसकी सब्जी अभी बन रही है, और ये जो बेले लटक रही है ये इसी की है। और आप सब कमेंट में बता देना कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में, और हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, मैंने आज तक नहीं देखा। तो ज़रूर से कमेंट करके बताना कि सब्जी को क्या कहा जाता है हिंदी और आपके लोकल भाषा में। तो गाइज चलते हैं खेत साइड, और अभी खेत से मक्की भी लाने को है। मायरा हाय हाय हाय, सो गाइस पहुंच चुका हूँ मैं अपने खेत, और इस वाले खेत में हमने उस ब्लॉग में मक्की काटी थी। तो बाकी फिर आज आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत गप्पे शप्पे भी मार ही देता हूँ, और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो भी मेरे नए व्यूवर्स और मेरे नए सब्सक्राइबर आए हैं, और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर है उनका भी तहे दिल से धन्यवाद जो वीडियोस देखते हैं। तो बाकी गाइज मेरा एक सपना है, बाकी वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप लोग कितना प्यार करते हो मेरे को, और जो लोग मेरी मेहनत और मेरी लगन को देख रहे हैं वही लोग इस बात को समझ सकते हैं, और वही लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बाकी जो अदर देखते हैं वीडियो थोड़ी स्किप स्किप करके देखते हैं आगे आगे करके, तो चलो देखने का तो अपना मतलब तरीका होता है कि कैसे करके वीडियो देखनी है, तो जहाँ से उनको अच्छा लगता है तो वहाँ से फिर पूरी ही वीडियो देखते हैं। तो गाइज और मेरा गला भी आज थोड़ा बैठ गया है, क्योंकि मेरे को थोड़ा फीवर हुआ था करसो से आने के बाद, मैं थोड़ा ठंड गया था तो मेरे को सर्दी गर्मी दोनों ही हो गई। तो बाकी शिल्पा को भी थोड़ा बुखार आया था कल, तो उसके लिए भी दवाइयाँ लाई। तो बाकी अभी करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो अभी मेरे को मक्की थोड़ी बहुत निकालने को भी है, और इस किल्टे में मेरे को भरने के लिए भी है। तो बाकी गाइज ब्लॉग वीडियो के साथ बने रहना। तो पीछे का जो व्यू आप सबको मैं रोज़ बताता ही रहता हूँ, ये चवासी और एक टांडा वगैरह है पीछे का व्यू, और इस साइड को फिर शिमला कमार्शन वगैरह आता है जो मैं बताता भी रहता हूँ।
गाइस किल्टा मैंने भर दिया है यहाँ पे, और अब मैं मिलता हूँ आप सबको घर में, क्योंकि किल्टे के साथ मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा। तो बाकी गाइज अभी मम्मी भी आ चुकी है खेत को, तो अभी मैं यहाँ पे मम्मी का वेट कर रहा था। तो मम्मी ने बोला था कि जो मक्की का जो घास होता है उसको रखना है अभी। तो गाइज फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो जो मेरे YouTube फैमिली में फिर से नए जुड़े, तो और जो पहले से उनका भी फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। तो बाकी ऐसे ही प्यार बनाए रखना ताकि आने वाले टाइम में मैं आप सब तक अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूँ। तो मिलता हूँ अब आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय सोमेश्वर महादेव जी, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। No, 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 no.